प्राचीन न्याय का आधार विषयक मूक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस पाठ्यक्रम में अभी परीक्षा का प्रकरण चल रहा है, जिसमें प्रमाण से लेकर के हम शुरू किए हैं प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत आदि जितने भी हैं 16 पदार्थ, इनकी चर्चा हुई है। इसके अनंतर प्रमेय पदार्थ की चर्चा हुई है। प्रमेय 12 प्रकार का है, आत्म, शरीर, इंद्रियार्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुखा, पवर्गास्तु प्रमेयम, जिसमें आत्मा, शरीर और इंद्रिय, इनकी परीक्षा हो चुकी है। इस पाठ्यक्रम में हम अर्थ और बुद्धि की परीक्षा करेंगे। इसके पूर्व में आपको हम स्मरण दिला दें, शरीर, शरीर की परीक्षा, शरीर के भेद, इंद्रिय लक्षण, इंद्रिय की परीक्षा और इंद्रिय के भेद बतलाए गए हैं, जिसमें चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम, चेष्टाश्रयत्वं शरीरलक्षणम्, अन्त्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वं शरीरलक्षणम्, ये सब शरीर के लक्षण किए गए। शरीर की परीक्षा भी हुई, योनिज अयोनिज दो प्रकार के शरीर के भेद का कथन किया गया। इंद्रिय का लक्षण क्या है, फिर इंद्रिय को एक माने, अनेक माने, इस पर चर्चा हुई, और इंद्रिय के कितने भेद हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र। 1 अंतर इंद्रिय है, जिसको हम मन कहते हैं। पुनः यह इंद्रिय भौतिक है या अभौतिक है, इसकी चर्चा हुई। भौतिक से तात्पर्य है भूत से जो उत्पन्न हो उसे भौतिक कहते हैं, और जो भूत से उत्पन्न नहीं है उसे अभौतिक कहते हैं। चूँकि ये इंद्रियां भूत से उत्पन्न हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत कहे गए हैं, और इन भूत से उत्पन्न होने के कारण हम घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र को भौतिक शब्द से कहते हैं। इस की चर्चा हम पूर्व पाठ्यक्रम में कर चुके हैं। इस पाठ्यक्रम में जो व्याख्यान का विषय है वह है अर्थ और बुद्धि, जिसमें हम अर्थ का विवेचन, अर्थ की परीक्षा, बुद्धि और बुद्धि की परीक्षा, ये हम आपके सामने उपस्थापित कर रहे हैं। अर्थ शब्द से क्या ग्रहण किया जाए, इसके लिए एक सूत्र है, गंध, रस, रूप, स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणाः तदर्थाः, गौतम का यह न्याय सूत्र है। इस सूत्र में पृथिव्यादि गुणास्तदर्थाः, यह जो पद है इसमें तत्पद आया हुआ है। तत्पद से किसका ग्रहण हो, तत्पद से यहाँ इंद्रिय का बोध होता है। और इसी सूत्र में जो अर्थ पद है वह अर्थ पद विषय को बतलाता है, इसलिए यह अर्थ होगा गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 घ्राणादि 5 इंद्रिय के विषय हैं, अर्थात द्रव्य 5 हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इसके 5 इंद्रिय भी हैं, घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र,
और इसके जो विषय होंगे, जिसे हम अर्थ शब्द से कहते हैं, वह है पृथ्वी का अर्थ होगा गंध, जल का अर्थ है रस, तेज का अर्थ है रूप, वायु का अर्थ स्पर्श है और आकाश का अर्थ शब्द है। चूँकि इन इन इंद्रियों के माध्यम से इन इन अर्थों का ग्रहण होता है, इसलिए ये सब अर्थ शब्द से द्योत्य होते हैं। अब अर्थ की परीक्षा का क्रम आता है। अर्थ परीक्षा का क्या फल है? तो यह कहा गया है कि अर्थ की परीक्षा का फल है इंद्रियों में नानात्व की सिद्धि। कोई यह कह सकता है कि एक ही इंद्रिय की सत्ता माने, हम अनेक इंद्रियों की सत्ता क्यों स्वीकार करें? इंद्रिय एक है या अनेक है, ऐसा प्रश्न संभावित है। तो इंद्रिय अनेक है, इस अनेकता को सिद्ध करने में अर्थ ही प्रमाण है। चूँकि अर्थ नाना है, इसलिए अर्थ का ग्राहक जो इंद्रिय है वह भी अनेक होगा। एतावता अर्थ परीक्षा का जो फल है वह है इंद्रियों में नानात्व की सिद्धि। दूसरी बात, पृथिव्यादि द्रव्याणाम असिद्धि परिहारश्च। पृथिव्यादि जो द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनमें असिद्धि नामक दोष का परिहार भी अर्थ परीक्षा का फल है। यहाँ भाष्यकार लिखते हैं, गंधादयः पृथिव्यादि गुणाः इति सूत्रम्। यहाँ उद्देश्य जो है पृथिव्यादि नाम एक गुणत्वे च अनेक गुणत्वे समानः इति संशयः। पृथिव्यादि जो हैं उसमें एक गुण माने या अनेक गुण माने, ये दोनों में एक गुणत्व या अनेक गुणत्व मानने में समानता है। समानता होने पर यहाँ समाधान क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श शब्दानाम स्पर्श पर्यंताः पृथिव्याः। जो रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये पृथ्वी के गुण हैं, लेकिन पार्थिव जो इंद्रिय है घ्राण, उससे केवल गंध का ग्रहण होता है। एतावता यहाँ संशय होगा, इस पृथ्वी में क्या गंध, रस, रूप, स्पर्श ये सभी गुण हैं या केवल गंध मात्र गुण है? क्योंकि पार्थिव इंद्रिय घ्राण के द्वारा रस, रूप, स्पर्श का ग्रहण नहीं होता है। इस संशय के निदान के लिए अग्रिम सूत्र का अवतरण होता है, अप तेजो वायु नाम पूर्व पूर्व मपोह्य आकाशस्य उत्तरः। जो जल, तेज और वायु, इनमें पूर्व पूर्व गुण को छोड़ करके आकाश का उत्तरवर्ती गुण है, अर्थात सबसे अंतिम में शब्द का कथन है। एतावता शब्द तो आकाश का गुण है और रस जो गुण है वह जल का है, इसी तरह रूप तेज का है, इस क्रम से इसको लगाना है। एतावता यह सूत्र स्पष्ट करता है पूर्व पूर्व मपोह्य आकाशस्य उत्तरः। इसके अनंतर एक पूर्व पक्ष और है, न सर्वगुणानुपलब्धे। जिस भूत का जो गुण है वह उसी इंद्रिय से
गृहीत होता है, सभी गुण उस इंद्रिय से गृहीत नहीं होता है। पार्थिव इंद्रिय जो घ्राण है, उस घ्राण से स्पर्श पर्यंत गुण गृहीत नहीं होता है, केवल गंध मात्र ही गृहीत होता है। इसका समाधान देते हुए ग्रंथकार कहते हैं, पूर्व पूर्व गुणोत्कर्ष एव तत्त प्रधानम। पूर्व पूर्व गुण का जो उत्कर्ष है, उत्कर्ष का मतलब जो ग्रहण की योग्यता है, इसी से वह गुण उसमें प्रधान हो जाता है। पूर्व पूर्व गुण के प्राधान्य होने के कारण पूर्व पूर्व इंद्रियों का प्राधान्य समझ में आता है। यहाँ प्राधान्य विषय विशेष को ग्रहण करने की क्षमता से गृहीत है, अर्थात जो इंद्रिय जिस विषय विशेष के ग्रहण करने में समर्थ है, वही यहाँ प्रधान पद से वाच्य है। एतावता यह सिद्ध होता है कि अर्थ की जो परीक्षा होती है, इसमें भूत के नानात्व की सिद्धि होती है। इंद्रिय में कौन इंद्रिय किस अर्थ का ग्राहक है, यह भी सिद्ध हुआ। इस तरह से अर्थ के निरूपण में हम आपके सामने ये उपस्थापित करते हुए आपको विशेष आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।